हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इन्फो कट्टा। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्राइडे के दिन कौन से ऐसे लेवल्स रहेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के, जहां पे हम कॉल और पुट की पोजीशन ले सकते हैं। और गाइज, यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लस हमारा ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर मैं आपको लाइव मार्केट में फ्री में कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो 37,200 का कॉल ऑप्शन मैंने यहाँ पे आपको बाय करने के लिए बोला था, अबव 190.95 के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 100 पॉइंट के भी ऊपर हमें यहाँ पे टारगेट मिला, 318 का यहाँ पे जो है हाई लगाया हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, मतलब 120 पॉइंट यहाँ पे लगभग हमें यहाँ पे मिले हैं, बहुत ही बढ़िया, लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। आप यहाँ पे देख सकते हो, उसके स्क्रीनशॉट्स भी मैंने यहाँ पे शेयर किए हुए हैं। अगर आपको हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, प्रीमियम ग्रुप के डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको बस इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है, ये सारी चीज़ें आपको उस प्रीमियम ग्रुप में मिलेगी। दो कॉल हम यहाँ पे 11:30 बजे से पहले देते हैं और दो कॉल यहाँ पे 12 बजे के बाद आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और डिटेल्स के लिए आप नीचे जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है उस व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक निफ्टी, आज बैंक निफ्टी ने क्या मोमेंटम दिया। अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो ऊपर से लेके नीचे तक गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिल रही थी, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सेम उस लेवल से बैंक निफ्टी कल के दिन नीचे आया। आज के दिन क्या हुआ, मोस्टली मार्केट जो है वो स्लो मोमेंट में था, साइडवेज था। आखिरी में मतलब जब मार्केट क्लोज हुआ तब यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम मिला, अदरवाइज बीच में मतलब 11:30-12 बजे के आसपास 1:30-2 बजे तक मार्केट जो है वो बहुत ही शांत था और साइडवेज था। ठीक है, तो यहाँ पे कल के दिन क्या हो सकता है, अभी देखो यहाँ पे 3 ग्रीन कैंडल तो बनी है, अभी यहाँ पे लॉन्ग लेग डोजी जैसा पैटर्न यहाँ पे जो है फॉर्म हुआ है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे 15 मिनट में जाके लेवल चेक करते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं इसको एक ट्रेंड लाइन यहाँ से अगर ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो, तो इस ट्रेंड लाइन को जितनी बार ऊपर जा रहा है उतनी बार निफ्टी बैंक नीचे आ रहा है। और कैसे नीचे आ रहा है ये देखो, ऊपर गया शार्प डाउन, ठीक है, उसके बाद सेम लेवल पे गया शार्प डाउन फॉल, ठीक है, सेम लेवल पे गया शार्प डाउन फॉल। अभी यहाँ पे जब भी सेम लेवल पे निफ्टी बैंक जाएगा तब हमें यहाँ पे शार्प डाउन फॉल मिलेगा। तो यहाँ पे आपके लिए जो लेवल बनता है ये वाला, ये सबसे इम्पोर्टेंट लेवल होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर इस लेवल को बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर लिया तो यहाँ पर शार्प अप मोमेंटम मिलेगा हमें। ठीक है, और अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया तो हमें फिर से जैसे यहाँ पे डाउनफॉल मिला सेम हमें वैसे यहाँ पे डाउनफॉल मिल जाएगा। ठीक है, तो कल के लिए ये जो लेवल है, अब अप्रोक्सीमेटली अगर आपको मैं यहाँ पे लेवल बताऊँ तो इस लेवल को मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, 37,565 के ऊपर आपको यहाँ पे कॉल ऑप्शन में जाना है। उससे पहले आपको यहाँ पे कॉल में एंटर नहीं करना है, और यहाँ पे इस लेवल पे आने के बाद जब भी यहाँ पे एक छोटा सा रेड कैंडल फॉर्म हो जाए, ठीक है, इसी लेवल पे आने के बाद तो आप यहाँ पे पुट में आप जा सकते हो, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रहेगा। आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, अगर दूसरा कैंडल ऊपर के साइड में क्लोजिंग देता है तो आप वहाँ पे एग्जिट कर दोगे। ठीक है, मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी कल बुलिश होना चाहिए। ठीक है, बैंक निफ्टी यहाँ पर बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। आप यहाँ पर आज देख सकते हो रिलायंस में बहुत ही बढ़िया 6% का अप मोमेंटम मिला है रिलायंस में। ठीक है, लगभग 140 पॉइंट जो है रिलायंस ऊपर गया है, तो कल भी यहाँ पे रिकवरी करते हमारे जो है बाकी स्टॉक्स जो है वो दिखेंगे। प्लस बैंकिंग सेक्टर भी यहाँ पे अच्छा खासा रिकवर कर सकता है कल के दिन, इसलिए यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया मोमेंटम कल बैंक निफ्टी में अपसाइड में देखने को मिल सकता है। नीचे भी अगर आप देखोगे तो सपोर्ट लेके ऊपर ही जाने की कोशिश कर रहा है, 15 मिनट का मैंने यहाँ पर अभी चार्ट लगाया हुआ है। ठीक है, तो आपके सामने अभी यहाँ पर लेवल है नीचे के साइड में, अगर इसको ब्रेक करेगा तो और बड़ा आपको यहाँ पे मोमेंटम जो है कल के दिन देखने को मिलेगा। अगर इसके बीच में ही ओपन होता है मार्केट और ऊपर जाता नहीं है इस लेवल तक, और अगर आपको यहाँ पे पुट के साइड में एंटर करना है तो किस लेवल के नीचे आप यहाँ पे पुट में एंटर करोगे। ठीक है, तो ये जो लेवल है 37,200, ठीक है, 37,200 का जो लेवल है, इस लेवल के नीचे आप यहाँ पे पुट बाय करोगे और आप होल्ड करोगे बड़े टारगेट के लिए, क्योंकि यहाँ पे नीचे आपको जो टारगेट्स मिलेंगे, पहला टारगेट तो आपको यहाँ पे मिलेगा 37,120 का, जो कि लगभग 90 पॉइंट का होगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो सेकेंड टारगेट मिलेगा वो मिलेगा आपको 37,000 का, फिर से आपको 120 पॉइंट का टारगेट मिलेगा गाइस। ठीक है, तो ये दो टारगेट आपको डाउन साइड में मिलेंगे, मतलब 200 पॉइंट जो है आपको यहाँ पे आसानी से
मिल जाएंगे। जैसे ही यहाँ पे ब्रेक होता है आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया पुट साइड। दूसरा मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, इस लेवल के ऊपर जैसे ही निकलेगा आप कॉल बाय करके आराम से होल्ड कर सकते हो लंबे बड़े टारगेट के लिए, जो कि नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी होगा उसके लिए भी आप होल्ड कर सकते हो। ओवरनाइट भी लेके आप जा सकते हो जब भी इस लेवल को ब्रेक करेगा। बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये लेवल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी लेवल को फॉलो करके जो है नीचे आ रहा है। ठीक है, नीचे आ रहा है, जैसे ही ये ब्रेक होगा अपसाइड मोमेंटम हमें यहाँ तक मिलेगा, मतलब 38,500 तक हमें यहाँ पे मोमेंटम मिलेगा, जो कि लगभग 1000 पॉइंट होते हैं यहाँ से। ठीक है, इस लेवल से 1000 पॉइंट का मोमेंटम हमें अपसाइड जो है मिलेगा विद इन अ 3-4 ट्रेडिंग डेज। ठीक है, तो यहाँ पे लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बोला कि नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो अगर यहाँ पे हमें कल इंट्राडे में ब्रेकआउट मिला। ठीक है, और ऊपर क्लोजिंग होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट हुआ और बाद में नीचे आया, नो, ऊपर आपको क्लोजिंग होना जरूरी है, अदरवाइज आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लोगे। ठीक है, तो ये हो गया बैंक निफ्टी का। अभी हम देखते हैं यहाँ पे निफ्टी 50 का। अभी देखो निफ्टी 50 में यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ निफ्टी 50 का वन डे का चार्ट, हम पहले जाके देखते हैं। निफ्टी 50 आज अगर आप देखोगे तो बुलिश में क्लोजिंग हुआ है। ठीक है, 120 पॉइंट्स यहाँ पे जो है बुलिश क्लोजिंग हुए हैं, उसमें से 100 पॉइंट रिलायंस के ही है। ठीक है, उसमें से 100 पॉइंट जो पॉजिटिव यहाँ पे दिखा रहा है निफ्टी 50, वो है सिर्फ और सिर्फ रिलायंस के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ग्रीन कैंडल अच्छा खासा बना है, जो कि प्रीवियस रेड कैंडल जो था उसका यहाँ पे हाफ से भी बड़ा बॉडी एंगल्फ किया हुआ है। ठीक है, अगर आप देखोगे और यहाँ पे लो जो है अप्रोक्सीमेटली, मतलब इसने क्या किया, प्रीवियस डे का लो जस्ट ब्रेक किया, नीचे आया और सपोर्ट लेके फिर से ऊपर। ठीक है, अभी यहाँ पे 15 मिनट में जाके देखते हैं कि कौन सा लेवल निकलेगा हमें कल कॉल साइड में अगर जाना है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे गाइज ये वाला लेवल, ठीक है, जो कि कल के ट्रेडिंग दिन में मतलब 24th को जो हाई लगाया था, जिस हाई से नीचे आया था, सेम वही हाई के ऊपर जैसे ही जाएगा तो हमें यहाँ पे बाय करना है। 17,600 का लेवल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितनी बार 17,600 का लेवल आएगा उतनी बार आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। ठीक है, सेलिंग साइड में आप जा सकते हो, जैसे ही ब्रेक होगा आप यहाँ पे कॉल में जाओगे। ये लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है निफ्टी 50 के लिए। ठीक है, और ये लेवल कल यहाँ पे हमें ब्रेकआउट नज़र आएगा, या तो इसी लेवल पे अटक के नीचे आएगा, लेकिन कल के लिए आपको एक ही लेवल पे काम करना है जो कि है 17,600 का। ठीक है, 17,600 का लेवल है, इस लेवल के ऊपर जैसे ही निकलेगा मार्केट यहाँ पे आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है, होल्ड करना है। टारगेट देखो आपको बड़े बड़े हैं 17,660 का, ठीक है, उसके बाद 17,750 का, और थर्ड टारगेट अगर आपको लेना है तो 17,820 का टारगेट आपको यहाँ पे मिलेगा। बहुत ही बड़ा रैली यहाँ पे अपसाइड में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये दो जो है आपको ऊपर के साइड में टारगेट मिलेंगे। अगर इसी लेवल पे आया, निगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ, जैसे ये फॉल हुआ है सेम वैसे यहाँ पे शार्प मोमेंटम आपको मिलेगा, बीच में यहाँ पे रुकेगा भी नहीं। अगर आप देखोगे 15 मिनट का कैंडल सेम डे यहाँ से लेके मार्केट क्लोजिंग तक अगर आप देखोगे कंटिन्यूसली नीचे आया हुआ है। ठीक है, यहाँ से लेके ये आखिरी कैंडल है कंटिन्यूसली नीचे आया है, तो सेम ये लेवल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो 17,600 का लेवल आप अभी मार्क करके रखो आपके यहाँ पे, और जाके वहाँ पे अलर्ट लगा दो, जब भी ब्रेक होगा उसके बाद आप जो है यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय करोगे। यहाँ पे नॉर्मल टच होके नीचे आएगा तो आप यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय करोगे। ठीक है, अभी देखो एक्सपायरी चेंज हुआ है, नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी में आपको प्ले करना है, तो 100 पॉइंट पीछे का आप यहाँ पे ले सकते हो, ताकि क्या होगा अगर पुट साइड में जाना है तो आपको क्या करना है, एग्जांपल अभी प्राइस है 17,600, तो 17,500 का आप यहाँ पे पुट ले सकते हो। ठीक है, प्रीमियम थोड़ा आपको कम मिलेगा। ओके गाइज, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं अपने आपके कट्टे पे, तब तक जय हिंद।